टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। युवा राजपूत सभा इस समय अपनी रैली की शेप में युवा राजपूत सभा की जो मुख्य रैली है, जिसमें इनके प्रेसिडेंट विक्रम सिंह और दूसरे जो इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो अब रैली शेप से की ओर से यहाँ निकलते हुए इस समय की रैली बड़ी भावना पहुंची है। और आप अभी देख सकते हैं कि रैली जो है यहाँ से आती हुए नारे लगाते हुए युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता इस समय रैली निकालते हुए सरोवर टोल प्लाजा की ओर बढ़ रहे हैं। आज वहां पर इनका 12 बजे का प्रोग्राम है, वहां पर विरोध प्रदर्शन होंगे और इस विरोध प्रदर्शन में इनका मुख्य जो उद्देश्य है वहां से टोल प्लाजा को हटाना है। जिस तरह से इस समय पूरी सड़क खराब है और तरना में जो ब्रिज है वो टूटा हुआ है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच में लोगों से जो टोल वसूला जा रहा है वो पूरी तरह से इलीगल है, ये आरोप है युवा राजपूत सभा का और दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशंस इनके साथ जुड़ी हुई हैं। विजुअल्स आप अभी देख रहे हैं कि मेन मार्केट बड़ी ब्राह्मणा में ये रैली यहाँ पर पहुंच चुकी है और सरोवर की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर इनका जो मुख्य विरोध प्रदर्शन होगा वहाँ पर। और यहाँ तक जानकारी मिली है कि वहाँ पर सिक्योरिटी का काफी कड़ा इंतजाम किया गया है और कि किसी तरह की भी वहाँ पर इनको विरोध ना करने दिया जाए, लेकिन आज इन्होंने निश्चय किया हुआ है और उसी जो आज इनकी कॉल थी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन की, उसी के चलते हुए इस समय ये रैली यहाँ से निकल रही है। बात का लोगों से इलीगल टैक्स की वसूली की जा रही है, ये आरोप है युवा राजपूत सभा का। और काफी समय से इस संघर्ष में लगी हुई है कि लोगों से जो मनमाना और जबरन टोल वसूल किया जा रहा है उस टोल के विरोध में आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है सरोवर टोल प्लाजा में होने जा रहा है। Thank you.
केसरी झंडा लेकर विरोध पार्टियां भी आई हैं जिनका कहना है कि जिसमें बीजेपी विशेषकर अभी पिछले कुछ दिनों में उनके भी बयान आए हैं कि टोल प्लाजा को लेकर उनकी सरकार भी गंभीर है और जल्द जल्द जो है इसको लेकर एक पॉजिटिव खबर आएगी। देना चाहिए डिसीजन जब मर्जी लें, लेकिन टोल प्लाजा नहीं दिया जाएगा। आज युवा राजपूत सभा यहां पर विरोध प्रदर्शन है और रैली आप देख सकते हैं कि इस समय अपने पूरे सदस्यों के साथ यहां से निकलते हुए उस समय का जब आज से पिछले साल 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जन्म दिवस पर हॉलीडे पर उनके खुशी के तौर पर मनाई गई थी। आज एक और संघर्ष जो है इस समय लड़ते हुए युवा राजपूत सभा यहाँ के लोगों के लिए, जम्मू वासियों के लिए, जो इलीगल तरीके से टोल यहाँ पर लिया जा रहा है उसके विरोध में आकर आज प्रदर्शन रैली आप यहां पर देख सकते हैं। धीरे धीरे ये रैली इस समय अपने डेस्टिनेशन पे जो लक्षित जगह है यहां पे टोल प्लाजा पर पहुंचते हुए यहीं पास पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश बंदा का भी घर है, जिन्होंने एक समय में कोशिश की थी लेकिन उसके बाद बीजेपी ने इस पर कोई कार्य नहीं किया और अब कुछ दिनों से हालांकि उनके बयान आए हैं कि इसके लिए उनकी सरकार कोशिश कर रही है कि टोल को बंद किया जाए, लेकिन युवा राजपूत सभा ने मन बना लिया कि टोल बंद होगा तो आज से ही होगा और उसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन जो है एक भारी भरकम रैली इनकी इस समय यहाँ पर अपने जो लक्षित जगह है वहां पर पहुंचते हुए प्रसाद चंद्र प्रकाश गंगा का घर यहाँ पर
पुलिस की आगे नाकेबंदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रैली को इस समय सोर अड्डा के पास रोक लिया गया है। पुलिस की बैरिकेडिंग आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और हर तरफ पुलिस की ही नाकाबंदी की गई है कि इस रैली को आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये वही जगह है, यहां पर पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश गंगा का घर है और उन्हीं के घर के बाहर इस समय यहाँ पर रोका हुआ है। डोगरे महाराज प्लीज अस जानते हो सारे डोगरे का काज है महाराज, अस कोई गलत काम नहीं करा दे, प्लीज अस उसे जान दो, अस अगे जाइए उधर पैदल जाना है, हाथ जोड़िए बिनती है प्रशासन कने कि साडा रस्ते विच नहीं आ सारे भाई विनती है अपने गड्डिया सारे पर लाइए पैदल, सारे भरा अपने अपनी गड्डी मोटरसाइकिल सारे पर लाइए तो पैदल के कल
ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਈਓ ਆਹੇ ਪੀਸ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ रैली इस समय सरोवर ब्रिज पर वहां पर पहुंच चुकी है बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन के पास और हालांकि फिर से पुलिस ने रोकने की कोशिश की गई थी लेकिन उनसे आग्रह किया युवा राजपूत सभा के मेंबर्स ने उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कि ये डोगरों का मामला है उनकी भलाई के लिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए उन्हें जाने दिया जाए हालांकि कुछ देर की बातचीत के बाद उन्हें इजाजत मिल गई है इस समय रैली ये पुल के ऊपर आप देख सकते हैं सरोवर पुल बस कुछ ही देरी में सरोवर टोल प्लाजा यहां से आने वाला है यहां पर नजर भी आ रहा है यहां पर मुख्य जो है इनका विरोध प्रदर्शन होगा युवा राजपूत सभा का और आप देख सकते हैं रैली इस समय आगे बढ़ चुकी है उससे आगे पुलिस की पूरी घेराबंदी है किसी तरह की भी कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां पर क्रिएट ना हो हालांकि युवा राजपूत सभा की तरफ से भी सबको निर्देश है कि ये पीसफुल रैली है पीसफुल विरोध प्रदर्शन है इसलिए किसी तरह की भी कोई ऐसी रैली क्रॉस कर रही है हाथों में तिरंगा लिए हुए और युवा राजपूत सभा के झंडे लिए हुए इस पूरे जो इनके कार्यकर्ता हैं नारों के बीच विरोध प्रदर्शन जताते हुए जो मानक हैं उसके विरुद्ध जो है ये टोल प्लाजा लिए जा रहे हैं लखनपुर से लेकर जम्मू तक इस समय पूरी रोड खराब है और लोगों से टोल वसूले जा रहे हैं ये अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ युवा राजपूत सभा आज एक हजूम के तौर पर बड़े विरोध प्रदर्शन निकालते हुए इस समय सरोवर टोल प्लाजा के पास पहुंचते हुए अभी सरोवर पुल जो है क्रॉस कर लिया गया है बस कुछ ही दूरी में टोल प्लाजा कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं सांबा विजयपुर से और अलग अलग जगहों से हजारों की तादाद में युवा देख रहे हैं व्यूज टुडे पर कि रैली आगे बढ़ रही है और काफी इस समय सिक्योरिटी का इंतजाम यहां पर किया हुआ है पिछली बार भी जब युवा राजपूत सभा ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया था तो काफी यहां पर पुलिस का इंतजाम था हालांकि एडमिनिस्ट्रेशंस भी आई इश्योरेंस दी गई कि यहां पर टोल प्लाजा बंद कर दिया जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी मनमाने तरीके से
टोल वसूला गया और जो टोल प्लाजा में वहां पर लोग हैं उन्होंने टोल काटना जारी रखा। एक और आरोप है कि जो मानक होते हैं 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टोल होना चाहिए उसके विरोध में भी ये टोल लगा हुआ है। ये 60 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस में है जो सीधे तौर पर जो मनमानी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की या कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी मिली भगत से ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर टोल प्लाजा चलाया जा रहा है। ये सारे आरोप लगाए हैं युवा राजपूत सभा ने, आज उसी को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ। तू लगा मैं चाहिए करांगा बाइट लेनी बाइट जय डुग्गर के नारे लगा रहे हैं। इस समय युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता, काफी बड़ी रैली है। हेलो हेलो सुरक्षा के कड़े इंतजाम आप देख सकते हैं कि पुलिस काफी भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस फीमेल जो यहाँ पर इस समय पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। युवा राजपूत सभा की रैली इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे अपने जोरों पर, और जो निर्णय किया था 21 अगस्त का आज उसी के मुताबिक जो है अपनी कॉल दी थी। ये देखिए युवा राजपूत सभा की रैली। आज लगा मैंने बाल कटा के ये पैर मर जाना मेरा। इतना ऊंचे इतना लाइन लेने रैली बिल्कुल अपने टोल प्लाजा पे पास पहुंच गई है। यहाँ पर अभी इनका विरोध प्रदर्शन होना है और सुबह से ही हम आपको जैसे अपडेट दे रहे थे कि लाइव इस समय यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि युवा राजपूत सभा की जो पूरी बॉडी है और जितने कार्यकर्ता हैं वो इस समय यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप सभी के सामने प्लाजा
सजा के खिलाफ जो है इनका विरोध प्रदर्शन है, बातचीत करेंगे। जन सैलाब आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जो गाड़ियां हैं यहां पर, बातचीत करेंगे कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, आज आपका कॉल 21 अगस्त को आपने यहां पे टोल उखाड़ना है। बिल्कुल उखाड़ना नहीं है, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, क्योंकि माननीय एलजी साहब का कल का बयान जो आया हुआ है कि टोल स्थगित कर दिया जाएगा, उसके लिए युवा रायपुर सभा ने निर्णय लिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, क्योंकि ये टोल जबरन अभी काटा जा रहा है, इसलिए युवा रायपुर सभा घर से निकली है, और जो संकल्प युवा रायपुर सभा ने 21 का लिया था उसके लिए युवा रायपुर सभा जब तक टोल बंद नहीं होगा तब तक युवा रायपुर सभा सड़कों पे बैठेगी, जब तक लिखित हमें मिला जाएगा, लिखित में नहीं दिया जाएगा, तो जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक ने हालांकि वादा किया है कि ये टोल जो है इनका माफ किया जाएगा, लेकिन जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक इनका विरोध जारी रहेगा। भारत इंतजाम आप कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और दूसरे जितने भी यहां पर पैरामिलिट्री इस यहां पर मौजूद है, और आज का जो विरोध प्रदर्शन है इसको यहां टोल प्लाजा में इस समय पहुंच चुके हैं, रैली आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि इस समय जो रैली है वो आगे बढ़ रही है, अब यहां पर टोल प्लाजा के पास पहुंच चुके हैं। इस साथ साथ मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही, मनमाने तरीके से टोल वसूलने नहीं दिया जाएगा, ये फैसला है और ये कहना है युवा राजपूत जिस तरीके से लगातार इनका विरोध रहा है कि मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है, उसी के विरोध में आज ये विरोध प्रदर्शन युवा राजपूत सभा का, और लाइव तस्वीरें आप इस समय व्यूज टुडे से देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये सब यहां पर इस समय चल रहा है। हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये उनको आश्वासन दिया था कि 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा, लेकिन युवा राजपूत सभा का कहना है आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक इनका विरोध जारी रहेगा, और उसी को देखते हुए कि इस समय बिल्कुल टोल के पास ये वही टोल है, यहाँ पर लोगों से गैर कानूनी तरीके से टोल काटे जाते हैं, और उसी गैर कानूनी टोल के विरोध में आज यहाँ पर कड़ा विरोध प्रदर्शन युवा राजपूत सभा का। युवा राजपूत सभा का आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी साथ साथ इस समय आ रही है, बड़ा विरोध प्रदर्शन इस समय पैरामिलिट्री फोर्स